press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भी आप करती हैं सब कुछ कमाल करती हैं जो आपने किया दैट इज यू नो काबिल तारीफ है जो आपने किया जितनी बेबाकी से आपने सुना लेकिन मैं पूरा थ्रोट बैठा था आप पे ध्यान था बहुत बेबाकी से आपने सब कुछ पूछा सबसे पहले जानना चाहूंगा ये सवाल में सेट ऑफ क्वेश्चन था ये आपको दिया गया था ये या आपकी खुद की मन की भावना नहीं मैंने लिखे थे ये क्वेश्चन मुझे किसी ने नहीं दिए इनफैक्ट जब मुझसे पूछा भी कि क्वेश्चंस क्या है तो मैंने कहा मैं क्यों क्वेश्चन बताऊं कि क्वेश्चन क्या है सो आई वाज लाइक सो नो दीज आर माय क्वेश्चंस एंड वो मैं कई दिनों से सोच रही थी और मुझे ऐसे भी सदगुरु से पूछने थे क्वेश्चन तो मैंने सोचा मैं अकेले में पूछूंगी या पर्सनली हम चार पांच दोस्त पूछेंगे तो ये बहुत ही पर्सनल से कॉन्वर्सेशन बन जाएगी मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन था ही नहीं तो मैंने सोचा मैं एक इसको एक पब्लिक इवेंट के तौर पे तो मेरी तरह जितने भी लोग कॉन्फ्लिक्टेड हैं सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो एटलीस्ट ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी जिसमें सब हिस्सा ले पाएंगे तरीके से आपने बताया कि ये सवाल आपके थे अमूमन कोई बैक ऑफ कर जाता क्योंकि आज जिस तरह के माहौल है आपने लिचिक का जिक्र किया वो भी एक भावना आपकी रही होगी कि जिस तरह के हालात हिंदुस्तान में अभी हैं तो हम लोगों ने इस बारे में ही अंदर काफ़ी बात की है और ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी चीज़ों के सोल्यूशन हैं वो तो जैसे सदगुरु जैसे लोग हैं मिस्टिक हैं थिंकर हैं जिनको आई थिंक सबसे अच्छी बात यही है कि हमारी सोसाइटी में उनके जैसे लोग हैं जो इस चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उनके पास उतना इंटेलेक्ट है जो कि इसकी बात इसीलिए हम लोगों ने आज ये इंट्रैक्शन रखी थी मेरे पास तो इस जिन चीज़ों के सोल्यूशन नहीं है मैं तो आप लोगों की देखती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए या सो आई जस्ट फील दैट जो मैंने इस बारे में अभी अंदर बात की कि किसी को हेट करना या किसी के बारे में वो करना वो तो चलिए ठीक है अपनी पर्सनल भावना हो सकती है लेकिन उसके अलावा देश को कैसे यूनाइटेड किया जाए और उसको कैसे जो इस वक्त हमारे देश की स्थिति है उसको उसके बारे में क्या उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और ये पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर ये नहीं करना चाहिए हमें sacks its editors for writing or reporting against the PM or the government. Is there a fear among film artists also to speak against establishment or make political content? I think most of my contemporaries don't talk about it because obviously I was hearing some other days one of my contemporaries was saying ki humko to पानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है हम क्यों बात करें दैट हर्ट्स यू नो लाइक यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट हा व्हाट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल टॉक्स लाइक दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू आपके घर पे पानी आए तो ठीक है आपके पड़ोसी के नहीं आया तो ठीक है लेकिन अगर आपके चाचा जी के यहाँ नहीं आया तो आपको दर्द हुआ सो दिस एटीट्यूड इज़ नॉट गुड और मुझे लगता है कि हमेशा ही आर्टिस्ट का ये कहना अरे हम तो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं हमें बात नहीं करनी चाहिए आप बात नहीं करेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनके लिए 25 मीडिया कैमराज इकट्ठे होते हैं तो कौन बात करेगा फिर आप फिर सक्सेसफुल हैं क्यों फिर आपका मायना क्या है सक्सेस का अपने पैसे कमाए अपना खाए पिए मस्ती की दिस इज़ नॉट द रियल आपको पेडेस्टल पे इसलिए नहीं रखा हुआ है कि आप अपनी छोटी सी जिंदगी जी के चलते बने आपको पेडेस्टल पे इसीलिए जनता ने रखा हुआ है कि आप उनके बारे में भी सोचें दो चीज़ें आर यू स्पिरिचुअल और ये योगिनी का योगी का थॉट कैसे आ गया कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आपकी आप सबको छोड़ छाड़ के मतलब समाधि हो मतलब समाधि सबको छोड़ छाड़ के समाधि आई होप इतना मुझ में आए कुछ विजन या भगवान की ग्रेस हो लेकिन अभी तो आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड आई वॉन्ट टू वर्क इन एवरी डायरेक्शन वेर एवर आई थिंक आई कैन तो अभी छोड़ने का वक्त नहीं है अभी तो वी विल डू थिंग्स एंड देर इज़ टाइम फॉर एवरी थिंग बहुत वोकल हैं जो हालात हैं देश में पॉलिटिकली भी आप बहुत वोकल हैं हाल ही में आपने मोदी की काफी तारीफ की और कहा कि उसका जवाब तो दिया ना मैंने मैं ये कह रहा था क्या कभी आप पॉलिटिक्स को
नहीं, पॉलिटिक्स करियर नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है जब भी कोई इंसान, अगर मेरे जैसे इंसान को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए तो उनको पहले तो वैराग्य हासिल करना चाहिए कि जब भी आपको जनता की सेवा करनी है तो ऑब्वियसली इफ़ आई हैव अ फैमिली, आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव टू गिव एवरीथिंग अप एंड देन ओनली आई शुड बी एबल टू सर्व द कंट्री. आई थिंक दैट शुड बी द इंटेंशन. करियर पॉलिटिक्स में, करियर में इतनी सक्सेसफुल हूँ, अभी मेरा ये करियर है, मेरे को और कहीं करियर नहीं बनाना है. बट येस, इफ़ आई वॉन्ट टू सर्व माई लैंड, then the only option I see for myself is that I can't do it as where I have some wasted interest in some other department, you know, because wo conflicting ho jata hai. To I think jo bhi log karna chahte hain karna chahiye, magar unko kisi tarah se jo hai vairagya hasil karna chahiye. Karna karna karna, ye puchhenge uske baad main puchunga last. Yeah, bataya ki changes ki mang to finally kya kiya. उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. आप बोले हम लोगों ने उसके बारे में बात की अभी. Where do you think India is heading at a time when people are being lynched for what they eat? Yeah, no. We spoke about it, and also I'm not. अगर मेरे पास इसका आंसर होता तो मेरा. I gave my personal opinion inside. I mean, you heard that you feel conflicted. You know, you want to save the animals, but when the lynching happens, you feel heartbroken. What is going on? You feel this is wrong. You know, so I spoke about it. रिफ्यूजी और उसकी बात की गई, आपको लगता है कि जैसे और भी उन्होंने कहा कि मिला लेना चाहिए, आपको लगता है विद मिस्टर इमरान खान कमिंग अप इन द नेबरिंग कंट्री, डू यू थिंक द थिंग्स विल इंप्रूव? होपफुली. आई मीन वी कैन ओनली होप दैट वी डोंट हैव टू शेड मोर ब्लड. इट्स very unfortunate that our soldiers are dying, and of course the kind of speech Mr. Imran Khan has given is very, very nice, and I wish him all the best, and I with my folded hands I really hope and appeal that we have a really beautiful relationship henceforth. So, aa raha hai uske upaksh mein aap kuch kehna chahengi aur shubhkamna bhi hamari sir se hogi lena chahte. Pankha lao, ye last hai. Okay, so so my message to all the youth who are going to participate in this, you can ask Sadhguru all kind of questions, why about monthly cycles, about sex, drugs, all the scandalous questions. They know all those things. No, they don't. Sadhguru, they are being a victim of drug overdose. There are so many, you know, drugs has become a big epidemic, especially in schools and colleges. So guys, I look forward to those conversations and ask exciting questions. Okay, this is so being pitched as Youth and Truth, Unplug with Sadhguru. Ask whatever you want. Ask whatever Nothing you want. Nothing is a taboo. Yeah. So how much time do we have for questions? Please.